दोस्तों, दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला भारत दुनिया में आज अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। और वहीं भारत में आने वाले समय में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जो देश के आविष्कार के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत का एक अलग रूप देखेगी। तो चलिए आपको भारत के ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी गाड़ी से दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं? नहीं ना, लेकिन ये सच है, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के कंप्लीट होने के बाद आप दिल्ली से मुंबई अपनी गाड़ी से सफर कर सकेंगे, वो भी सिर्फ 12 घंटे में। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में अगर आपने सफर किया है तो आप ये जानते ही होंगे कि ये कितनी कन्वीनियंट है। लेकिन मेट्रो में भीड़ को कम करने के मकसद से इस बस का नजारा आपको राजधानी दिल्ली में जल्दी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ठोको लाइक अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हमारे दिल्ली में शुरू हो जाए। दोस्तों, ट्रैफिक से निजात पाने के लिए और मेट्रो में भीड़ कम करने के लिए केंद्रीय सरकार डबल डेकर एयर बस सर्विस शुरू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया की कंपनी डोपरमाया से किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि डोपरमाया दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार कंपनी है, जो अब तक 15,000 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल पूरा कर चुकी है। दोस्तों, नवी मुंबई से वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और यहाँ के किसी भी हिस्से से सिर्फ 17 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और अब आप सोचेंगे कि मुंबई के ट्रैफिक में मुमकिन कैसे होगा, तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई के समुद्री मार्ग को भी डेवलप किया जा रहा है और इसकी फुल कैपेसिटी पर आने पर ये एयरपोर्ट सालाना 6 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करेगी। और इस एयरपोर्ट को पैसेंजर्स एरिया के टावर डिजाइन को बनाने का काम वर्ल्ड की फेमस जहां हदीद आर्किटेक्ट को बनाने के लिए दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं जब हम और आप ट्रेन या बस की जगह इलाहाबाद वाटर बोर्ड वाटरशिप से जा सकेंगे, दिल्ली से बिहार जा सकेंगे। और इस पर तेजी से काम चल रहा है। इस वाटर रोड को यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। ये रोड दिल्ली से आगरा होते हुए आगरा तक बनाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक वाटर रोड बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारा भारत जल्द से जल्द डिजिटल और नया भारत बन जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जो हमारे वीडियोस रोजाना देखते हैं और लगातार कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले हैं ईशान भट्ट और दूसरे हैं शेख साणू। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाले वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी ना, दोस्तों से लाइक करवाएं और आप भी लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे और भी इसी तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।